आप देख रहे लाइव टेन न्यूज़, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करिएगा। साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे लाइव टेन न्यूज़ के साथ। मैरवा प्रखंड के बड़का गांव पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी उषा देवी और उनके पति समाजसेवी योगेंद्र कुशवाहा ने आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पंचायत क्षेत्र के भूपतपुरा, लालगंज, चकरा सहित विभिन्न गांव में घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। प्रत्याशी पति व समाजसेवी योगेंद्र कुशवाहा ने लोगों से आशीर्वाद भी मांगा और जनता से रूबरू होते हुए कहा कि विगत 5 वर्षों से मेरे और मेरी पत्नी के द्वारा जनता की सेवा की गई है, जिस कारण बड़गांव पंचायत का नाम रोशन हुआ है। मैरवा से राजू कुमार की रिपोर्ट। हमको तो लगता है कि बहुत ऐसे गांव हैं कि जो एक तरफा हमको सपोर्ट हो रहा है, पूरे गांव में एक तरफा सपोर्ट हो रहा है। जो आने वाले दिनों में हम लोग डोर टू डोर लोगों से मुलाकात करना, डोर टू डोर जनता की सेवा करना, किसी व्यक्ति की अगर सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होती है कि कोई आदमी बीमार पड़ जाए, कोई गरीब लाचार है तो उसको हॉस्पिटल में चौंपाना, उसको इलाज करना, उसके बाद उसके घर तक छोड़ना, ये खास करके हमारी मैंने पहले से ही प्राथमिकता रही। बोलिए, सबसे पहले डोर टू डोर, बहुत गांव है कि जो एक तरफा गांव के लोग मूवमेंट बना रहे हैं कि हम एक तरफा हमारे गांव का वोट जाएगा योगेंद्र कुशवाहा मोतियों के माला पर। रह गया बात कि लोगों को हम लोग का संपर्क होने का कारण यह है कि बराबर मिलना, अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए, गरीब है, लाचार है, तो उसको उठा करके ले जाना हॉस्पिटल, गोरखपुर ले जाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहती है। इसके चलते तमाम लोग, विकास तो हो रहा है, विकास जगह जगह रोड बना है, जगह जगह पेयजल की व्यवस्था हुई है, नली गली बनी हुई है, चौतरा बनाया गया है, उसके बाद इनार का चौतरा बना हुआ है, तमाम तरह की। सबसे पहली मेरी प्राथमिकता ये रही कि हर घर 1000 घरों में हमने अथी किया है, वो सोखता का निर्माण किया है कि जो पानी का लेयर हमारा बरकरार रहे, सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी ये रही। उसके बाद से ना शौचालय का निर्माण हुआ। अभी किन किन गांव में दौरा आपका चल रहा है? अभी लगातार हम पंचायत के तमाम, अभी बड़गांव होते हुए निमिया टोला, घनश्याम मठिया, लसकरी छापर में पहुंचे हैं। इसके बाद हम बाबू टोला, भपतपुरा, लालगंज, तमाम गांवों में हम जाएंगे और लोगों से अपना आशीर्वाद मांगेंगे। आशीर्वाद लोग व्यापक दायरे में हमको दे रहे हैं, जन समर्थन हमारे साथ है। हम प्रयास करेंगे कि इस बार एक रिकॉर्ड मत बने, पूरे मैरवा प्रखंड में रिकॉर्ड मत से हमारी जीत हो। अगर जनता आपको माइंडर देती है तो सबसे पहला कार्य क्या होगा आपके लिए? सबसे पहला मेरा काम स्वास्थ्य को बेहतर तरीका से लोगों के गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे, उसके बाद से ना शिक्षा होगा, उसके बाद रोजगार होगा। जब स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा अगर तीनों ठीक हो जाएगा तो समझिए कि पूरे लोगों का जो एक जीने का, आदमी का एक प्रण होता है, वो अच्छे तरह से चलेगा। क्या जनसंपर्क के दौरान कोई ऐसा ही मामले आ रहा है जो अभी आपके द्वारा न किया गया हो, उनको करने की जनता कह रही हो? देखिए, जनता की तमाम समस्याएं हैं, समस्याओं को आदमी जो बाकी है उसको सुना जा रहा है। अगले जो हमारे टर्म होगा, व्यापक दायरे पर हम लोग काम करेंगे और तमाम लोगों को स्वास्थ्य और रह गया के राशन कार्ड, और किन बहुत ऐसे गरीब है जो आज भी जो इंदिरा आवास से वंचित है, जो ये सरकार इंदिरा आवास का ढिंढोरा पीटती है कि हम गरीबों को, जो पलानी है, जो गरीब है, उसको इंदिरा आवास देते हैं, मगर व्यापक पैमाने पर जो इंदिरा आवास आनी चाहिए वो नहीं आ रहा है। ये सरकार केवल पेपर पर और होल्डिंग में मोदी सरकार है। हम जरूर वादा करेंगे कि आने वाले दिनों में इस सरकार से हम लड़कर प्रत्येक गरीबों की इंदिरा आवास
उसके बाद राशन कार्ड की समस्या हो, तमाम तरह की समस्याओं को हम हल करेंगे, हल करेंगे। अगर हल नहीं होता है तो हम व्यापक एक जन आंदोलन तेज करेंगे, जन आंदोलन के माध्यम से हल करवाने का कोशिश करेंगे। हमारा परिचय हुआ, बड़गांव पंचायत के मुखिया पति जोगिंदर सिंह कुशवाहा, चुनाव निशान है मोतियों के माला, हमारी प्रतिनिधि है उषा देवी। 20 तारीख को मतदान होना है, क्या अपील करेंगे अपने जो वोटर आपके यहाँ? 20 तारीख से हम अपनी जनता जनार्दन और अपने मालिकों से निवेदन करेंगे कि व्यापक जन समर्थन दें, मोतियों के माला पर इतना बटन दबाएं कि पूरे इस पंचायत में, पूरे प्रखंड में एक नंबर का मॉडल पेश हो, जो आने वाले दिनों में जो हमारे विरोधी हैं वो कोई सोच न सके कि फिर हमको चुनाव लड़ना है। थैंक यू।